एक रोस्टर है, उसने कोई ऐसी बात की और उसने कोई उसकी कोई ऐसी वीडियो चढ़ गई जो कि वो जिसपे शर्मिंदा है वो, मैं उसके कोई पिक्चर्स लीक हो गई उसकी वाइफ की या उसकी अपनी या कोई प्राइवेट इंटीमेसी मोमेंट्स के वो रिलीज हो गए, वो पछताता है कि यार ये कैसे रिलीज हो गया, उसको उतारना चाहता है, कितना रोता है, चला कितनी एफर्ट करता है उसको उतारने के लिए। दिस हैपेंस, हाँ सही, ठीक है ना, इस दुनिया में इमेजिन ये शख्स इससे कहीं ज़्यादा पछता रहा होगा इन्हीं वीडियोज पर जिसको वो खुद अपलोड कर रहा है, काश मैं इसको अपलोड ना करता और काश इस तरह उतर जाए। अच्छा कब्र में जाते ही ये पछता रहा होगा और ये चीख रहा और चिल्ला रहा होगा कि काश कोई शख्स आए और मेरी वीडियोस को उतार दे और ख़त्म कर दे क्योंकि अब मुझे हकीकत वाजे हो गई है। लेकिन अल्लाह ताला अल्लाह ने फरमाया कि मुझे दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि वो कब्र वालों की आवाज़ तुम्हें सुना दे, जिनकी आवाज़ तमाम मखलूकात सुनती हैं एक्सेप्ट ह्यूमंस एंड जिन्स, लेकिन मुझे इस खौफ की वजह से मैंने दुआ नहीं की कि अगर मैं वो तुम्हारी आवाज़ आना शुरू हो जाए ना तो मुर्दों को ना दफनाओ कब्रों में, यानी इतना चीखना चिल्लाना होगा तो मुर्दों को कब्रों में ना दफनाओ। और एक हदीस पर तिर्मिज़ी की सही हदीस है, अल्लाह ताला उससे बहुत मोहब्बत करते हैं यानी बहुत नेक शख्स होगा वो जिसके अच्छे अखलाक हैं, फ़इन्ना अल्लाह ताला युबग़िज़ु अल-फ़ाहिशा अल-बदी, अल्लाह को शदीद नफरत है बोझ है उस बंदे से जो फ़ाहिशा अल-बदी है, जो फाउल लैंग्वेज यूज़ करता है, जो जुगते मारता है, दूसरों को जबान से तंग करता है। और ये जो बात है ना कि हम तो दोस्ती हैं, हम तो गाली आपस में वो दे रहे हैं, मतलब कहते हैं अय्यकुन खैर मिनहुम, हो सकता है वो तुम्हारे से बेहतर हो, तुम जो कर रहे हो ना, एक बंदा जो अगले का मजाक उड़ा रहा है वो अंदर से क्या समझ रहा है कि मैं उससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि वला तलमिजू अनफुसकुम, डोंट मेक जोक ऑफ योरसेल्व्स, मतलब इसमें बता ये रहे हैं कि तलमिजू का मतलब ये है कि This is a kind of joke which involves no speaking, यानी इशारतन, सही, यानी ऐसे कुछ देखना, ऐसे कर दिया, अच्छा, या rolling of the eyes, और smiling, या हल्का सा, और in case text message कर दिया कि how lame he is, right? मतलब किसी को, it doesn't involve any speaking or any action, इशारतन कर दिया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, मैं तुम्हें ये भी पकड़ रहा हूँ, या अलम खाइनत अल-अयुन, अल्लाह ताला जानते हैं कि तुम्हारी आंखों में ख्याल है, जो तुमने ऐसे किया था ना कि उसको देखो क्या कर रहा है, वमा तुख्फ सुदूर, और जो तुम्हारे दिलों में छुपा है अल्लाह ताला जानते हैं। सर कितना डिस्क्रीट मैटर है यार, क्या बनेगा शेख इमाम बुखारी, अच्छा मैं बताऊँ जो लोग नेक थे क्या करते थे, हाँ इम्पोर्टेंट, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बैठे हुए हैं, आगे दर्स चल रहा है, एक शेख ने गलती की, ठीक है, और उनको अंदर से हंसी आ गई, इमाम बुखारी को अंदर से हंसी आ गई, ना एक्सप्रेस किया ना कुछ, और हल्के से अंदर ही अंदर ही हंस दिए। कुछ दिन बाद है और शेख सॉरी कहा और माजरत की कि शेख आपकी इस बात है मुझे अंदर से हंसी आ गई थी, मुझे लगता है ये मस्खर में ना आ जाए, उसमें ना आ जाए, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे आप माफ़ कर दें कहीं मेरे अमाल बर्बाद ना हो जाए। ये था सेंसिटिविटी, वल्लाही जो शख्स नेक होता है ना वो सेंसिटिव होता है कि सलफ सालिहीन, पता है आपको जुमे से जुमे तक दे कैन इजीली काउंट एंड नोटिस कि हमने पिछले जुमे से अब इस जुमे तक हमने क्या कहा है, हमने क्या अल्फाज कहे हैं। शेख वल्लाह हम तो एक दिन में नहीं कर सकते ना, हम दो नमाजों के बीच में नहीं कर सकते। सलफ सालिहीन दे यूज्ड टू स्पीक सो लिटिल कि जो मैं यूमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, ये तो खैर की बात करे या खामोश रहे, दे कुड काउंट एंड दे कुड सी कि हमने पिछले जुमे से पिछले में कोई ऐसी बात तो नहीं की, हाँ नहीं सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग सही है, और एक सलफ का कॉल आता है कि अगर आप अपने जिंदगी में तीन चीजें महसूस करते हैं, एक बेजारी, बेजार हो चुके हैं लाइफ में, मजा नहीं आ रहा किसी किस्म का, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा, दूसरा इबादत में सुस्ती, नमाज में सुस्ती, कुरान तिलावत सुस्ती, जैसे नमाज पढ़नी शुरू की उबासियां शुरू हो गई, अल्लाह के जिक्र में सुस्ती दूसरी चीज, और तीसरी चीज रिस्क में कमी। ये अगर तीन आप चीजें महसूस करते हैं, उन्होंने क्या कहा, अगर इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग दीज थ्री थिंग्स, जो कि हमें से अक्सर लोग कह रहे हैं, उन्होंने कहा जान लो कि तुम्हारी जबान से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं जो नहीं निकलने चाहिए थे। और हमें आजकल यूथ आती है हमसे पूछती है, इवन अपना सबका ये हाल है कि यार नमाज में दिल नहीं लग रहा, सुकून नहीं मिल रहा, दूसरी बात बेजारी है लाइफ में, कुछ करने का दिल नहीं चाहिए, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं हो रहा, और तीसरी बात रिस्क कम से कम होता जा रहा है, शादी होना रिस्क है, औलाद नहीं आ रही रिस्क है, तो जान लें कि जबान से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं जो कि नहीं निकलने चाहिए थे।